तो वही कोरोना महामारी के बीच आईएमए और बाबा रामदेव के बीच एलोपैथी और आयुर्वेदिक दवाइयों को लेकर शुरू हुआ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आईएमए और रामदेव के बीच चल रहे विवाद के बीच बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि दोनों के बीच विवाद थमना चाहिए, क्योंकि एलोपैथी और आयुर्वेद का अपना अपना महत्व है और दोनों को एक दूसरे का सहयोगी बनना चाहिए। और ये थमना चाहिए। सभी पैथियाँ अपनी अपनी जगह ठीक है, टाइम टेस्टिंग है। अब एक दूसरे को गलत कहने की बजाय एक दूसरे की सहयोगी पैथियाँ बननी चाहिए। एलोपैथी ने भी बहुत काम किया है, आयुर्वेद भी बहुत काम करता है। वही ब्लैक फंगस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि सरकार ने ब्लैक फंगस से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। सभी मेडिकल कॉलेज में 75-75 बेड स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं। वही केंद्र सरकार से 12,000 इंजेक्शन की डिमांड की गई है, जबकि 15,000 इंजेक्शन के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला गया है। वही इसके लिए एक्सपर्ट्स कमेटी भी बनाई जाएगी, जो कि निर्धारित करती है कि किससे इंजेक्शन लगना चाहिए और किससे नहीं। हमने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सब में हमने 75-75 बेड्स के स्पेशल इसके लिए वार्ड बनाए हैं, और इंजेक्शन के लिए भी हमने केंद्र सरकार से भी 12,000 इंजेक्शन की मांग की है, और 15,000 इंजेक्शन का हमने ग्लोबल टेंडर भी किया। इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी भी हमने बना रखी है, जितने हमारे पास आते हैं एक्सपर्ट कमेटी उसका डिसाइड करती है कि किस मरीज को लगना है किसको नहीं लगना।